मत अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़ामान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन वीकली बेसिस के ऊपर आपके साथ गोल्ड का, ऑयल का और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो भी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, उनके अंदर ना भी वीडियो काम आने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट से तक देखिएगा ताकि आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर आप फ़ायदा पहुंचा सकें। जनाब बात करते हैं ना सबसे पहले गोल्ड की, तो गोल्ड का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। गोल्ड अपनी वीकली क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 3 आउटसाइड अप पैटर्न के ऊपर की है और जो कैंडलस्टिक बनी जनाब जस्ट लाइक बुलिश मारू बोजू कैंडलस्टिक बनी है, अच्छी बाइंग को इंडिकेट कर रही है। अगर हम बात करें जनाब टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 2346, गोल्ड इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब स्ट्रेंथ यहाँ पर शो हो रही है। गोल्ड के पास ना वीकली टारगेट बनेगा नेक्स्ट, वो बनेगा 2431 का, उसके बाद जो सेकंड बनेगा 2450 का बनेगा। वीकली क्लोजिंग जो एडजस्ट हुई है 2391 के ऊपर हुई है, यही जनाब गोल्ड के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस थी 2391 की, गोल्ड ने वीकली बेसिस के ऊपर इसको सस्टेन किया है। सेकंड सपोर्ट बनती जनाब 2387 की और उसके बाद बनती जनाब 2368 की। तो ओवरऑल गोल्ड की जो पोजीशन है फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। तो गोल्ड के ऊपर जनाब जो आपको स्ट्रेटजी सजेस्टेड है वीकली बेसिस के ऊपर आपको ट्रेडिंग के लिए, वो बाय ऑन वीकनेस सजेस्टेड है। सपोर्ट के ऊपर बाय कर लें, फर्स्ट बाय करंट प्राइस के ऊपर कर लें, सेकंड बाय आप सपोर्ट के ऊपर करें। अपना टारगेट आप सेट कर सकते हैं 2450 का, जो कि गोल्ड का ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है। अच्छा जनाब गोल्ड के बाद बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। क्रूड ऑयल ने अपनी वीकली क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 83.29 USGT के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर वीकली चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की जाए तो जनाब 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। अपने 9 डेज़ का जनाब जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 79.06 USDT, इसके अबाव ऑयल ट्रेड कर रहा है, मतलब ऑयल के अंदर वीकली चार्ट के ऊपर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अच्छा जनाब ऑयल के पास शॉर्ट टर्म की जो रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट के ऊपर वो 84.85 USDT की है और जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब वो 87.59 USDT की है। सपोर्ट की बात की जाए तो जनाब 82.60 USDT की फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट जनाब 80.89 USDT की है। तो ऑयल के अंदर जनाब आपको बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी सजेस्टेड है। आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए जनाब ऑयल के पास वीकली बेसिस के ऊपर वो होना चाहिए 77.16 USDT का। अगर 77.16 USDT के बिलो कोई भी अपना सेशन वीकली बेसिस के ऊपर ऑयल क्लोज करता है तो आपको एग्जिट लेनी चाहिए, ना अदरवाइज अपना टारगेट आप 87 USDT का सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन की, BTC की। ऑयल के बाद और गोल्ड के बाद हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो जनाब BTC का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। BTC ने अपनी जनाब जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 56,055 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। करंट प्राइस 56,055 है और वीकली चार्ट के ऊपर जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि डबल टॉप के बाद पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है और M बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है। अपनी नेक लाइन को भी ना यहाँ पर आप देख सकते हैं BTC ब्रेक कर चुका है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो जनाब यहाँ पे आप देखें नेक लाइन थी, नेक लाइन को तकरीबन जनाब यहाँ पे BTC ने ब्रेक किया है, अपना डबल टॉप पैटर्न बनाया था। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे डाउनवर्ड नज़र आ रहा है। अब जनाब BTC के पास वीकली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट बनती है 52,956 USDT की है और जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो 59,603 USDT की है। फिलहाल जनाब जो करंट चार्ट के ऊपर पोजीशन है वीकली चार्ट के ऊपर वो डाउनवर्ड को फेवर कर रहा है, तो मेरे हिसाब से चांसेस इसी बात के ज़्यादा बन रहे हैं कि BTC 52,956 की सपोर्ट को टेस्ट करेगा। ठीक है जनाब, तो यह था गोल्ड का, ऑयल का और BTC का वीकली रिव्यू, टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं जनाब उनको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।